तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं, वही शेयर चैट से रिलेटेड आज का टॉपिक है। और टॉपिक बहुत से लोग मेरे से पूछ चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कंफ्यूज रहते हैं यार। अगर शेयर चैट पर आप सब लोग वीडियोज बनाते हो, पोस्ट डालते हो, तो आपके दिमाग में एक चीज 110% आती है कि अगर मैं शेयर चैट पर कोई वीडियो डालूं तो किस टॉपिक पर डालूं, कोई टैग यूज करूं तो कौन सा टैग यूज करूं जिसपे मेरी वीडियो अच्छी रैंक करे और अच्छे व्यूज आए उस पर, अच्छे लाइक आ जाए उस पर, और मुझे उससे अच्छी अर्निंग जनरेट हो जाए। लेकिन जो लोग, जिन पे अर्निंग जनरेट नहीं होती, जो लोग ऐसे ही पोस्ट डालते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए पोस्ट डालते हैं कि मेरी अच्छी पोस्ट आ जाए, मेरे अच्छे लाइक्स आ जाए, व्यूज आ जाए। तो आज के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप किस टैग में या किस कैटेगरी में अच्छे व्यूज ला सकते हैं, किस टैग को यूज करके अच्छे व्यूज ला सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो दोस्तों, और वीडियो को अभी से कर दो लाइक क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई यहां पर देखा जाए तो शेयर चैट ऐप में जैसे ही आप ओपन करते हो शेयर चैट ऐप, आपको जितने भी ट्रेंडिंग टैग लिखे हुए होते हैं उन ट्रेंडिंग टैग में से किसी एक टैग पर भी आप वीडियो बना लो तो आपकी व्यूज ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं टॉपिक। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप अगर ट्रेंडिंग टॉपिक में से आपका जो कैटेगरी है वो थोड़ी अलग है, मान लो ट्रेंडिंग टैग इस वक्त चल रहे हैं गुड मॉर्निंग के चल रहे हैं या कोई सोशल मीडिया का कोई मुद्दा उठ जाता है तो ये हो जाता है ट्रेंडिंग टैग। लेकिन आप क्या करते हो, आपकी कुछ कैटेगरी अलग है, जो आप कैटेगरी अलग, यानी कि कोई कॉमेडी बनाते हो आप या कोई सैड कुछ बनाते हो या सॉन्ग्स पर बनाते हो या फिर कुछ ऐसे स्लो मोशन कुछ बनाते हो, कुछ भी अगर आप बनाते हो तो ये आपकी एक कैटेगरी हो गई और टैग ट्रेंडिंग के अलग हो जाते हैं। तो जब कैटेगरी आपकी है तो कैटेगरी में ज्यादा कौन से व्यूज आते हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे सैड शायरीज होती है, आप सैड शायरीज पर बनाओगे तो आपके व्यूज ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे क्योंकि सैड शायरीज इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड करती है और इसका टैग ट्रेंडिंग पर नहीं आता लेकिन फिर भी इसमें ट्रेंडिंग निकल जाते हैं, यानी कि इसमें व्यूज अच्छे आ जाते हैं। दूसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमेडी की। अगर कॉमेडी का कोई टैग है, हंसिए हंसाइए, आज का हंसी का दिन, ये ऐसे वैसे जितने भी ऐसे टैग्स हैं जिसमें आप हंसी मजाक के इमोजीज देखते हैं और हंसी मजाक देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपकी व्यूज लाने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखो कि व्यूज आपके अच्छे उसमें भी आ सकते हैं जो हंसने के हो सकते हैं, जो आपकी कैटेगरी है कॉमेडी कैटेगरी, उस कैटेगरी में भी आपके व्यूज अच्छे आ सकते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे बात करें अगर सैड की तो सैड कैटेगरीज में भी अच्छे व्यूज आते हैं और सैड कैटेगरीज में भी अच्छे लाइक्स आ जाते हैं। और अगर आप अर्निंग जनरेट कर रहे हो, यानी कि अगर आप भी पैसा कमा रहे हो शेयर चैट से, तो इन टैगों के अलावा ऐसे बहुत से टैग हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये दो तीन कुछ टैग ऐसे हैं जिन पे आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो। व्यूज तो आपके आ ही रहे हैं, लाइक्स आपके आ ही रहे हैं, लेकिन आप अर्निंग भी अच्छी जनरेट कर पा रहे हो तो इसकी वजह से आपका जो स्कोर कम हो जाता था वो स्कोर भी अब बढ़ने लगेगा। जो आपके इससे पहले अर्निंग कम हो जाती थी वो अर्निंग भी आपकी मेंटेन रहेगी और या बढ़ेगी भी। तो दोस्तों यहाँ तक इस चीज को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो सही से समझनी होगी, वरना आप इन्हीं वीडियो से मुझे कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे को वो समझ में। प्लीज अच्छे से समझो और ध्यान से समझना उसको। आज के लिए बस इतना ही।